बहुत सारे बिजी शेड्यूल के बाद आपके सामने नीट के लिए और जेई स्टूडेंट्स के लिए, खाली नीट और जेई स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स तैयार किए हैं जो आपके सामने दिन ब दिन आते रहेंगे, क्योंकि नीट के टाइम, नीट का भी अब बहुत कम टाइम रहा है, 7 मई से नीट स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए जितने भी मुझसे मैक्सिमम लेक्चर हो सकेंगे आई विल प्रिपेयर फॉर यू गाइज। तो उसके लिए सबसे पहला लेक्चर जो आपके सामने मैंने लाया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th फिजिक्स का ही है। और मैं पहले भी ये बात कह दूं कि खाली वो बच्चे जो नीट या जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, खाली वही बच्चे इन लेक्चर्स को देख के इनमें से जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो नोट करके उनके एग्जाम के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी चार्ज्ड पार्टिकल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके साथ क्या होगा, वो हमें स्टडी करना है इस वाले केस में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिख लूं तो ऐसे लिखा जाता है, ये जो आसान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन, स्ट्रेट पैरेलल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानो इसकी डायरेक्शन ये है जो मैंने लिखी है, ये डायरेक्शन है। तो सीधी बात है, यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे कुछ नेगेटिव होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टेड कन्वर्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। इसी फील्ड में मैंने कुछ चार्ज प्लस क्यों रखा, ये मैंने इस फील्ड के अंदर रखा चार्ज। अगर मैंने इस फील्ड के अंदर इस चार्ज को रखा, अगर ये रेस्ट पे है, मानो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी कि यहां पे ग्रेविटी नहीं है। हम यहां पे ग्रेविटी को इग्नोर करके, क्योंकि हमें खाली इफेक्ट पढ़ना है इस फील्ड का, इस चार्ज पे क्या होगा। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस जब मैंने रखी तो ये चार्ज है, इस चार्ज पे प्लस चार्ज मैंने रखा तो इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई होगा। तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स अपॉन ए चार्ज, दैट मीन्स पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE। ये बात तो पक्की होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा QE। और अगर यही चार्ज नेगेटिव हुआ तो फिर फोर्स ऐसे लगता, वो भी QE होता मगर डायरेक्शन अपोजिट होती। इतना तो आपको अंडरस्टैंड होता है। अब मैंने ये ग्रेविटी फ्री स्पेस रखी है, अगर मैं इस फील्ड को ऐसे टिल्ट कर लूं, अब ये चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये मैंने रेस्ट पे रखा है, इस पे खाली ये वाला फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब फोर्स अप्लाई होगा तो क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगी? हाँ आएगी सर, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन ए मास। न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। तो यहां से एक्सेलरेशन जो निकलेगी वो निकलेगी क्यू ई डिवाइड बाय एम। क्या यही एक्सेलरेशन होगी इस चार्ज्ड पार्टिकल की इनसाइड फील्ड? कितना होगा? अब क्यों डिपेंड करता है चार्ज क्या होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स ऐसे लगेगा, एक्सेलरेशन तब यही होगी। अगर नेगेटिव हुआ तो खाली यहां पे नेगेटिव फोर्स की डायरेक्शन में यहां आएगा फोर्स। अगर ऐसा फील्ड था तो ये क्यों ई बाय एम, ये होगी इस चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन आ गई, अगर मैं इस फील्ड को ऐसे टिल्ट करूं, यानी कि अगर मैं इस फील्ड को ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? अगर मैं चार्ज क्यों को यहां पे रख लू, इस पे भी तो नीचे ही फोर्स लग रहा है ना। ये अगर मैं सारे सिस्टम को टिल्ट कर लू तो इस पे फोर्स लगेगा ना क्यों ई, वो नीचे लग रहा है। क्या ये सेम केस वैसा ही नहीं है जैसा हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटी में? अगर बंदा कोई बॉडी फ्री फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? मानो इस पे कोई फोर्स लग रहा है, खाली ग्रेविटी लग रही है, इस पे फोर्स नीचे ग्रेविटी लग रही है ना। तो ग्रेविटी में जो नीचे एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में अगर मेरे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसको नीचे की तरफ फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फ्री फॉल है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्या यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? मैंने इस चार्ज को कोई वेलोसिटी नहीं दी, इस पे नीचे कोई फोर्स लग रहा है, वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी? जी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो जब ये नीचे जाएगा ना बेटा, जब ये चार्ज नीचे जाएगा, इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी ना वी, एक्सेलरेशन आ रही है जी। ये आ रहा है, समझ गया। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लगा लू, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच,
ये तो समझ आ रहा है भैया, v स्क्वायर दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर तो जीरो था दैट इज 2gh, तो यहां से v आएगा अंडर रूट 2gh, ये तो इसकी वेलोसिटी आएगी। पक्की बात है जब पार्टिकल रेस्ट पे था तो नीचे जब फोर्स पे अप्लाई हो जाएगा तो उसमें जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी 2gh, क्योंकि यहां पे फ्री फॉल में जी थी एक्सीलरेशन, लेकिन इस केस में एक्सीलरेशन ये है, तो यहां पे जी से हटाकर वैल्यू आप ये डालोगे तो आपका वेलोसिटी निकलेगा, यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट पे था, चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर रेस्ट में था, अब इस पे फोर्स लग रहा था क्यू ई इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रही क्यू ई बाय एम, तो क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2gh जैसे यहां पे आ रहा है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, g की जगह मैं क्या लिख लूं qe डिवाइड बाय m है, और h जो डिस्प्लेसमेंट ये होगा जो ये पाथ होगी, अगर ये डिस्टेंस x है तो यहां पे मैं x लिख सकता हूं, यही तो आपकी वेलोसिटी है ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म बात। अगर दूसरा केस लिखा है यहां पर, अगर मैं यहां पे दूसरी इक्वेशन लिख लूं भैया, मुझे पता है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, चूंकि अगर फ्री फॉल के अंदर था, पहले पार्टिकल रेस्ट में था, यहां पे भी चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में है, तो u बनेगा जीरो, जब ये जीरो बनेगा तो s कितना बनेगा, ये सारा बनेगा हाफ ए टी का स्क्वायर, मैंने s को x रखा है तो x कितना निकलेगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, दैट इज ये जो t बनेगा ये बनेगा 2x डिवाइड बाय a का रूट, नहीं आ रहा समझ, तो ये बनेगा टाइम, क्या बनेगा इसका टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनेगा 2x डिवाइड बाय a, मगर यहां पे a का वैल्यू ये है भैया, तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2 तो है ही भाई x, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय a की जगह क्या आएगा qe बाय m, m ऊपर जाएगा qe नीचे रहेगा, दिस इज द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो केसेस थे भैया, जिसको उतारने हैं उतार लो, जिसको नहीं उतारने मैं फिर से समझाता हूं, मैंने एक चार्ज पार्टिकल q को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जब मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस q को रखा है, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब चार्ज पार्टिकल है तो इसमें फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब मैंने इन डायरेक्शन फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई किया वो बनेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन ए चार्ज, इतनी बात है, अगर इस चार्ज पार्टिकल के इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे ये फोर्स लग रहा है तो क्या एक्सीलरेशन इसमें इंड्यूस हो जाएगी प्रोड्यूस हो जाएगी, वो बनेगी एफ बाय एम, एफ कितना है क्यू ई डिवाइड बाय एम, ये बनेगी एक्सीलरेशन। अब यहां पे मुझे क्या पूछेगा, मुझे पूछेगा अगर चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम इनिशियल पाथ, यानी कि ये फ्री है, इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने यहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि यहां पे खाली इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है और कोई फोर्स पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला आपको सिंपल में नीट वालों के लिए जेई वालों के लिए इस सिस्टम को ऐसे स्टडी कर लो जैसे आप फ्री फॉर्म में स्टडी कर रहे हो, मानो कि ये ऑब्जेक्ट है जिस पे एक फोर्स हो रहा है क्यों अप्लाई, जैसे फ्री फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पे खाली ग्रेविटेशन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जहां पे हम स्टडीज वहां करते हैं वही स्टडीज यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एस न्यू इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फ्री फॉर्म में, अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो यहां पे भी चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो बनेगी, तो एस निकलेगा आपका हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जब एस आपका एस इज डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इस पाथ को एक्स रखा है, हाफ ये बनेगा सारा जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स इसको मैं सॉल्व करके टी का वैल्यू निकाल सकता दैट इज 2x डिवाइड बाय a, अब मुझे पता है 2 तो 2 है, एक्स तो इस पाथ की लेंथ है, फील्ड की पाथ की लेंथ है, कहां तक फील्ड अप्लाई हुआ है, और a इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल वो तो मैंने निकाली है qe by m, यहां से वैल्यू डालेंगे निकलेगा 2x m by qe, दिस इज टाइम, ये होगा आपका कितना टाइम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा टू कवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने तक उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज 2x m डिवाइड बाय qe, एक तो ये डिपेंड करता है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मास पे और डिस्टेंस पे, नहीं है समझ। अब दूसरा क्या है, मुझे बताएगा कि जब मैंने इनिशियली चार्ज पार्टिकल को फील्ड में रखा था
मुझे बता दो ये किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। उसके लिए मैंने दूसरी इक्वेशन पढ़ी, तीसरी इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर ये वाली नहीं आती है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक और इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सीधी बात है वी स्क्वायर इज वी स्क्वायर इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो टू ए एस, तो इसको हटा के यहां पे रेडिकल चढ़ेगा, दैट इज v इज इक्वल टू टू ए की जगह आएगा क्यू ई, s की जगह है x डिवाइड बाय m का रूट, खत्म सवाल। ये बनेगी चार्ज पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी और ये बनेगा इसका टाइम। ये दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें। ये हुआ केस नंबर फर्स्ट, जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तब ये दो केसेस आते हैं। इस पे सवाल क्या आया है नीट में प्रीवियस ईयर में, इसमें सवाल आया है आपका, सबसे पहला वाला सवाल इसमें जो आया है वो कहा गया, अगर मेरा फील्ड नेगेटिव यहां पे है और पॉजिटिव यहां पे, ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फील्ड कहां से आएगा, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव तक जा रहा है ना, आई से फील्ड जा रहा है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को रखा तो सीधी बात इलेक्ट्रॉन को कहां फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ। मानो ये जो डिस्टेंस है ये डी है, अब दूसरा आपका यही है, अब मैंने खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज की, अब मैंने पॉजिटिव यहां रखा और नेगेटिव यहां रखा, अब फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी भैया। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये बन गई इसका मतलब फील्ड ऐसे है। अब मैंने इसमें प्रोटॉन रखा, पहले रखा था इलेक्ट्रॉन, अब मैं रख रहा हूं प्रोटॉन, तो सीधी इस पे फोर्स कहां लगेगा, प्रोटॉन पे, पॉजिटिव है ना, ये इसको रिपल करेगा ऐसे, मगर यहां पे फोर्स लग रहा था क्यूई, यहां पे भी फोर्स लगेगा क्यूई। अब यहां पे प्रोटॉन का चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये पाथ भी वही डी है, खाली मैंने फील्ड को डायरेक्शन चेंज की है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज की है। यहां पर मुझे सवाल वाला बता रहा है कि किसको टाइम ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा कि प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अभी मैंने आपको पढ़ाया था टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल फील्ड किसके बराबर होता है, टू एच एम डिवाइड बाई क्यू ई, यही होता है ना भाई, टू तो दोनों के लिए सेम है कांस्टेंट है, एच हाइट दोनों के लिए सेम है, एम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों का डिफरेंट है, क्यों चार्ज दोनों का सेम ही होता है, ई फील्ड दोनों का सेम है, स्ट्रेंथ फील्ड की डायरेक्शन तो यहां पर नहीं पूछ रहा है, यहां पर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो ये सारे तो सेम हुए, इसका मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, जिसके पास मास ज्यादा होगा उसके पास टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसके पास मास कम होगा उसके पास टाइम भी कम लगेगा। सीधी बात है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब मास प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा इसका मतलब मैं यहां लिख लूं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास कम है, इज लेसर देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, खत्म सवाल है भैया। ये एक केस हुआ जब आपका चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट में है इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक केस हुआ उसका। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, दूसरा केस क्या आता है यहां पे, दूसरा केस आता है केस नंबर टू, जब मेरे पास कोई फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड है, अब मैंने किसी वेलोसिटी पे चार्ज पार्टिकल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है, अब मैंने इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका है, भैया जी कुछ नहीं करना है लेकिन भेजा है पैरेलल, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया गया है। पहले केस में क्या था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, उसके लिए आपको टाइम और वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा केस कहता है जब मैंने एक चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थ्रो किया है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, अब कुछ नहीं करना है, अब लगाना है, जैसे आपने वेलोसिटी निकाली होगी, वेलोसिटी कितनी होती है 2gh रूट, जब आपका पार्टिकल रेस्ट में था तो ये बनेगा v इज इक्वल टू 2g की जगह क्या आएगा qe by m into h, नहीं आया समझ, 2gh ये बनेगी आपकी वेलोसिटी अभी, लेकिन अब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी चूंकि थी तो बनेगी क्या v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, भैया बस खत्म बात है।
खत्म बात है, कुछ नहीं करना है अब, चूंकि ये इंसेफलास्टी ऐड हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा वही केस है। अब यहां पे पढ़ने वाला केस जो है वो है थर्ड वाला केस, दैट इज केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, व्हेन पार्टिकल इज चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये केस नंबर थर्ड है आपका, और यहां पे ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सवाल तो खत्म हो ही जाएगा भैया। अतः मुंडा ये ध्यान वर्ण करता दर्ब देरी वन नियर थी वो थी ना वही था ध्यान था वही। व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतबल है जगह खड़ा था नजर पर, वाला बात था ये पॉजिटिव प्लेट, समझ है यून ये पॉजिटिव प्लेट, वाला बात था यख नेगेटिव प्लेट, क्यों थू नेगेटिव प्लेट, मे वन व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, गोल्ड कैसा वो नहीं चाहिए यम सातन चार्ज्ड पार्टिकल खाली फील्डस में थवन वेलोसिटी दिमोस ना तम सात पड़ सा टाइम क्या है वेलोसिटी क्या लगता इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने में दुईमा पुर से यम सातन सब पैरेलल कर हुन थ्रो तमच कर खाली इनिशियल वेलोसिटी एड ट्रेन कैसा वो नहीं मैं यम सात चार्ज्ड पार्टिकल क्या उतरा हुन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर ये पॉजिटिव प्लेट थो ये थो नेगेटिव प्लेट फील्ड को नो खस सुनो अकल मन लगी हुई दिस वाला जिगर गोशा यो खस फील्ड पैरेलल यूनिफॉर्म छ ना मैं बने ना पैरेलल इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यो टू फील्ड वना त्रावन पर पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल मतलब बतरा प्लस क्यू वोल्ट मैं तो प्लस क्यू चार्ज इत पोटन प्रो ना अब दिस में के इनिशियल वेलोसिटी यू मानस क्यों दिस में यू मानो इसे पाथ लेंथ अथवा नाउ डी जमा का दिक्कत वाला गगन ना ऐसे गसन सुनो ऐसे गॉट नोट याद कर सारे ट्रिक याद कर नीड और ची करूं यहां ची अपर इनिशियल वेलोसिटी दिस में याद या छ डी अपर या छ इलेक्ट्रिक फील्ड अपर या छ टोटल पाथ डी और यो छ इलेक्ट्रिक मुन प्रो में चार्ज पार्टिकल इत पॉइंट फील्ड को दो पॉइंट चार्ज पकन इत पॉइंट फील्ड इत पॉइंट नो परपेंडिकुलर तब वो मीन पार्टिकल्स प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर टू फील्ड त्रोम अतः जिगर गोशा वाला इशा चार्ज पार्टिकल अकुकनो लाइट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चूंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस क्यों छ ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि ये चुन ग्रेविटी हुन असर कहीं ना ग्रेविटी हुन कंसेप्ट ये पढ़ू ऐसा पढ़ू खाली फील्ड कंसेप्ट वाला जगह अगर हमें प्लस क्यों चार्ज थो ये अत प्लस क्यों चार्जस पटो लाइक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लाइक है ग्रेविटेशन बोन कर मगर सुनो छे ही ये थे जगह वो शे यथा लगते फोर्स या पर ही होता कोथा लगे क्यों ई क्योंकि प्लस चार्ज चुको प्लस है प्रोटॉन ऐसे क्या थे कैसे मैं तो इन खाली क्यों क्यों ही लगे शहर कुन यानि अट लगन खाली यो या पर फोर्स या पर मतलब करो वाई डायरेक्शन में या पर मुझे लगने फोर्स तो शियो समझ यूं फोर्स चु लगन खाली वाई डायरेक्शन में कोथा चु लगन क्यों तेलेस तो एक्सीलरेशन खाली वाई डायरेक्शन में होता सो को था वाइज फोर्स बाय मास सो गो क्यों ई बाय एम खबर छ समझ ही वंस किन गबन छ गसन वाई डायरेक्शन में वो छ एक्स किन मो दतु ही मेहनत किए मगर एक्स किन क्यों छ खाली इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को तो छ सो तो मैं यू द बिना या पर तो मैं यू सान छ समझ ही वंस मगर एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में क्यों छ ये ला पर फोर्स हुई अपर कसो एक्सेलरेशन है तब मतलब ना जीरो छ अपर ये ले अपर फोर्स हुई अपर कतो है एक्सेलरेशन ये पर जो फोर्स अपर है एक्सेलरेशन थे अब जो पार्टिकल पकन पक है एक पॉइंट में लगा यार इस पॉइंट मगर चूंकि फोर्स लोग उस हेवर कनत तेल पर पार्टिकल इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट है नियर पर नेवर इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट ड्राउन नेवर ड्राउन नेवर बोलो जिगर गोश ये गेस एक्स डायरेक्शन ये गेस वाई डायरेक्शन ये तो दिस एक्स डायरेक्शन तो वाई डायरेक्शन रिजल्ट दाना पार्टिकल या पर एम बनाऊं ना क्या तामत ये एंगल क्या तामत बनाऊं ना ये एंगल जगर बोशो क्या तामत बनाऊं ना ये कुछ ट्रावम कहते हैं जितर एम चोट ना कि क्या तामत पाथ की डिस्प्लेसमेंट चोट ना वाई एस मस क्या तामत अथा चवानन वाई यानी कि वेंजस गोश पॉइंट अथा चवानन डिफ्लेक्शन क्यों छ सवानन डिफ्लेक्शन और यथा चवानन एंगल ऑफ इजेक्शन किस एंगल से ये बाहर निकला है ये थीटा को दो ही चीजें इसमें पूछी जाएगी आपको या माने वन से डिस्प्लेसमेंट को होता होस या माने वन से थीटा को होता होस वाला जे पढ़ मुच जगर गोश मैं ओनली खाली फोर्स छु लगन वायस मस और एक्सेलरेशन दिस करी वायस मस होता या पर छु लगन ये ले पर फोर्स लगन ये फा इनिशियल वेलोसिटी एक्सेस मस होस तिसुर होस फाइनल थे तब मतलब को अगर ये फाइनल वेलोसिटी एक्स छ वी एक्स और या पर थाओ वाई की वी वाई
مےٚ چھُ پَیی وی واے کۭژاہ چھِ وَلہٕ یہِ کَرو نہ سورُے لَگہِ ؤنِتھ وَلہٕ یوٚتَن ژےٚ ما گوٚو یہِ گٔے بیٚن کینٛہہ اَدٕ وَلہٕ یہِ مۄکلاو نہ کیس چاے چھِ نہ کَم پَہمَتھ تھٲے کُن نظر لَگہِ ؤنِتھ مطلب اے وایا چھُ دِتھ وٕچھِو ژےٚ کَرو کوشَن فورس ایلان ایکٕس کیو چھُ زیٖرو لَگنٕے نہٕ کِہیٖنۍ اِنشَل وِلاسٹی ایلان ایکٕس کوتاہ چھُ یوٗ چھُنہ ایٚکسِلریشن ایلان ایکٕس کوتاہ زیٖرو ژےٚ ما اِکویشن آف موشن یاد کانٛہہ اگر أسۍ چھے کانٛہہ یاد تہٕ وَلہٕ لَگاووس تیٚلہِ وَلہٕ ژےٚ چھَتھ نہ پٔرمٕژ وی اِز اِکول ٹُو یوٗ پٕلَس اے ٹی چھَتھ نہ پٔرمٕژ اَتھ حظ جِگر گوشن چھَتھ نہ پٔرمٕژ اِنشَل وِلاسٹ فاین وِلاسٹ ایلان ایکٕس اِنشَل وِلاسٹ ایکٕس ایٚکسِلریشن ایلان ایکٕس ٹایم ایلان ایکٕس ییٚلہِ نہٕ اِنشَل وِلاسٹی وِلاسٹی چینج کیٚنٛہہ پَکھ دوٚیِم اِکویشن چھَتھ نہ پٔرمٕژ ژےٚ ڈِسپٕلیسمینٹ چھَتھ نہ پٔرمٕژ ڈِسپٕلیسمینٹ ایس اِز اِکول ٹُو یوٗ ٹی پٕلس ہاف آف اے ٹی کا سُکیر اگر بہٕ یہِ ایکس کِن تھاوان سورُے ایکس کِن چوٗنٛکہِ ایٚکسِلریشن ایلان ایکٕس کیو چھُ زیٖرو چھُتھ نہ ؤنمٕژ ژےٚ ییٚلہِ زیٖرو یہِ بَنہِ نہ سورُے ہن زیٖرو اَتہِ کیاہ بَچو تیٚلہِ ڈِسپٕلیسمینٹ ایلان ایکٕس کوتاہ سُہ چھُنہ ڈی اِز اِکول ٹُو یوٗ ایلان ایکٕس چھُنہ یوٗوٕے سُہ روزِ نہ کَنسٹنٹٕے اِن ٹُو ٹی دیٹ اِز ٹایم کوتاہ درٛاوٕے ڈی باے یوٗ یہِ گوٚو ٹایم ٹیکٕن باے دَ پاٹِکل ٹُو کراس ایلانگ ایکٕس ایکسِز کراس فیٖلڈ یوٗتاہ ٹایم اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہا یوٚتام لوٚگ تیوٗتاہ لوٚگ نہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہا یوٚتام کھسنَس تہِ گوٚو وایَس منٛز تہٕ ایٚکسَس منٛز روزِ ٹایم یِہوے کوتاہ ٹی اِز کَل ٹُو ڈی باے یوٗ یہِ چھُے سَمجھ یِوان ژےٚ جِگر گوشہِ مطلب یہِ کَتھ چھُ لَگی ژےٚ ضوٚرَتھ ییٚتہِ ژےٚ پوٚرُتھ لَگہِ یہِ گوٚو ایٚکٕس سٹیڈی مطلب واے سٹیڈیو پَرو وایَس منٛز کیو چھُ لَگان فورس ایلانگ واے کیو لَگان یَتھ کیو ای تیٚلہِ گوٚو نہ ایٚکسِلریشن ایلانگ واے کۭژاہ آسہِ کیو ای باے ایم اچھا بیٚیہِ کیو چھُ وَنان اِنشَل وِلاسٹی ایلانگ واے کیو زیٖرو تَپٲرۍ نے وِلاسٹی دِژمٕژ کانٛہہ مےٚ لَگو نہٕ سُہ پاٹِکل یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ وِلاسٹی دِژٕس تیٚلہِ چھُنہٕ ژےٚ سَمجھ یِوان لَگاو تہٕ اِکویشن اَپٲری یَتھ لَگاوتَس یا یَتھ لَگاوتَس یَتھ ژےٚ خوشی گژھی فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے سُہ گوٚو نہ فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے سُہ گوٚو نہ اِنشَل وِلاسٹی ایلانگ واے وی اِز اِکول ٹُو یوٗ پٕلَس اے ایلانگ واے اِن ٹُو ٹی سَمجھ چھُ یا یِوان یِم چھُ زیٖرو تَمہِ مطلب گوٚو فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے آسہِ برابر اے ایلانگ واے سُہ چھُ نہ دِتہِ کینٛہہ کیو ای باے ایم اِن ٹُو ٹی کوٚرتھَس نہ ڈی باے یوٗ یہوے گٔے وِلاسٹی ژٕ کیو کھوژُن فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے اِز دِس کیو ای باے ایم ڈی باے یوٗ ڈی گٔے یہِ کۭژاہ پَلیٹ ڈِشنٕز آسہِ یوٗ گٔے کۭژاہ اِنشَل وِلاسٹی دِژٕس یہِ کوٚر تۄہہِ ییٚتٮ۪ن یِہوے گٔے فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے درٛاوٕے نہ ژےٚ بیٚیہِ کَرِ ہا کیٚنٛہہ مطلب بیٚیہِ ہا کَرو ڈِسپٕلیسمینٹ کہِ ڈِفلیکشن چھِنہ کَرٕنۍ ڈِسپٕلیسمینٹ ایلانگ واے ایس اِز کال ٹُو یوٗ ایلانگ واے یوٗ ٹی پٕلس ہاف آف اے واے اِن ٹُو ٹی تَنہ چھُے سَمجھی یِوان کیٚنٛہہ ژےٚ گوٚو یہِ گَبٮ۪ن سورُے اَگرے گَبٮ۪ن گوٚو یہِ دھیان تھوٚو لَگٕنۍ سَمجھ تَرِ اِنشاء اللہ کیٛازِ تَرِ نہٕ ژٕ کیٛاہ بیقٕل چھُکھا یہِ تورتھٕ یہِ تورُتھ ژےٚ یہِ تورُتھ نہ ژےٚ ییٚتٮ۪ن جاے چھِنہ کَمٕے پَہم تَوَے مٔلۍ چھِ وَنان جلدی جلدی نہ ہاو وٕچھو ایس ایلانگ واے ڈِسپٕلیسمینٹ ایلانگ واے سُہ چھُنہ یِژٕے ہن کٔرمٕژ أمۍ تَتھ چھُنہ تھوٚمُت اَسہِ ناو واے أتھۍ چھُنہ وَنان ڈِفلیکشن اِز اِکول ٹُو یوٗ واے اِنشَل وِلاسٹی ایلانگ واے گوٚو زیٖرو یہِ بَنہِ نہ سورُے زیٖرو اَتہِ کیٛاہ بَچو ہاف آف اے ایلانگ واے سُہ چھُنہ کیو ای باے ایم یہِ کیٛاہ چھُنہ کیو ای باے ایم اِن ٹُو ٹی ٹی کیو چھُس ٹایم ٹیکن سُہ ما روزِ کَنسٹنٛٹ سُہ چھُنہ ڈی باے یوٗ تی وَنے مےٚ واے اِز اِکول ٹُو کیو ای ڈی ڈِوایڈ باے ٹُوایس ایم یوٗ یہِ گٔے ڈِفلیکشن وۄنۍ ما چھُ یہِ مُشکِل کیٚنٛہہ اَدٕ ژٕ کَتھ کھوژان یہِ گوٚوُے ڈِفلیکشن یہِ درٛاوٕے ژےٚ فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے اچھا وۄنۍ چھُکھ کَران ژٕ ڈِفلیکشن سَر مےٚ نے ڈِفلیکشن پوٚرُے وَلہٕ بہٕ پَرناو نہ ڈِفلیکشن تہِ ییٚتٮ۪ن ڈِفلیکشن گوٚو یہِ کہِ تھیٖٹا اگر ژٕ ٹین تھیٖٹا لَگاکھ نہ سُہ چھُ آسان مطلب پٔرپینڈِکیوٗلَر اَنُن یہِ وی واے اَنُن یوٚتَن پٔرپینڈِکیوٗلَر رَپان بیس سُہ گوٚو نہ وی واے باے وی ایٚکٕس فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے ڈِوایڈ باے فاینَل وِلاسٹی ایلانگ ایٚکٕس فاینَل وِلاسٹی ایلانگ واے پوٚرُتھ ژےٚ یہِ کیٛاہ چھُنہ چِکَن کوشَن کیو ای باے ایم کیو ای ڈی ڈِوایڈ باے ایم یوٗ کیو ای ڈی ڈِوایڈ باے ایم یوٗ بیٚیہِ کیو چھُے اے ٹی سُکیرا چھُ ییٚتٮ۪ن مطلب مطلب اے ٹی سُکیرا چھُ ییٚتٮ۪ن ایس اِز کال ٹُو اے ٹی سُکیرا چھُ ڈِسپٕلیسمینٹَس منٛز اے ٹی سُکیرا چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن سُکیرا چھُ ییٚتٮ۪ن سوری جِگر گوشہِ ییٚتٮ۪ن چھُ سُکیر ییٚتٮ۪ن حظ چھُ سُکیر
QED² / 2mu² because d by u ts square chu ts square chu 1 half of at square 1 half of at square 1 half of at square s equal to at square itna nahi d by square ucho velocity along y q e by m into du theek cha be chus velocity along sus sus na kala sus na u y barabar final velocity along x na u y guna u square go tan theta draw se barabar q e d divided by m u square ये द्राव टैन थीटा अत नेरी डिफ्लेक्शन ये द्राव फाइनल वेलोसिटी ये द्राव डिफ्लेक्शन खत्म सवाल सोर ये मत टच इतना थाउन याद आखते जी याद क्यो ई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम यू स्क्वायर ये डिफ्लेक्शन यानी कि वायस मस कॉन्सर्ट पाथ करे ट्रैवल अगर जब पार्टिकल लागो छन इत पॉइंट छन कुनी परपेंडिकुलर फील्डस मस तवनी वन सा डिफ्लेक्शन कॉस आ गस सो वन जस्ट क्यो ई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एम यू स्क्वायर ये के छुई अगर गबन गसी ब्याक वनी वन सा कम वेलोसिटी सा velocity along y axis man gasi velocity change kya dabi kaise dabi apparent force ka ille force ka acceleration ko ille acceleration ko dil ko velocity de constant wo ye sa velocity of zero axis man magar y axis man gasi change y axis man ko to is qed / mu sal qed / mu qed² / 2mu² aur pata nahi theta kar pata nahi deflection man sa masa kam angle sa neri nebar kam angle sa electron nebar so when just qed qed / mu² मे दु ये फील्ड इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंत मे कार्ज पार्टिकल रेस्टस मत वन ऐसे खाली वन सा यह कम नबर या अत टाइम लगे नबर फील्डस मे मगर पार्टिकल रेस्टस मत पे लगान खाली अक फोर्स गो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यो यू लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्यो लगे अक फोर्स जन तो ना अगर फ्री फॉल्स मे थो रेस्टस मे ऑब्जेक्ट तक लगान ग्रेविटेशनल फोर्स तमें सात वेलोसिटी √2gh ये तिले वेलोसिटी ई मगर 2g बदल गस एक्सेलरेशन मुनियन कोस एक्सेलरेशन qe / m तो h गई कोस पाथ लेंथ ओसी h यू गो वी आंसर ये वेलोसिटी सने दी नेवर दोयम प्रेसी मास अतोदा टाइम लाइन नेवर नेबस अतोदा टाइम लाइन थ्री फॉल्स मस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का सो के रीजन आसन ये फ्री फॉल्स मस इनिशियल वेलोसिटी के ओसन जीरो ये बने 2h डिवाइड बाय g का रूट यो है नेरना t वो टाइम फ्री फॉल्स में कितना लगन 2h बाय g h के ये पाथ लेंथ कौन सा छ ये पाथ लेंथ से करेक्ट वो टाइम लगी से खाली 2 h बदल के तरह है 2 h बाय g g बदल के तरह qe बाय m कैसे एक्सेलरेशन का करोगे ना qe बाय m qe था एक बन के m खसी और तो मक्ले हुई टाइम पीरियड ये मैं से चुछ सब याद से वेलोसिटी टाइम पीरियड वन अगर कोई वेलोसिटी सानी थ्रो करन मगर पैरेलल करन फील्डस तेल गई यह है मगर खाली इन वेलोसिटी ऐड करें ये गो दोइम केस ट्रेन केस होने से मैं खाली इस यहां जगह क्वेश्चन केस नंबर 3 यम सातन फील्ड छ इत पहुंचन फील्ड छ इत पहुंचन ये छ इन फॉर्म फील्ड अब मैं थ्रो से चार्ज पार्टिकल इत पहुंचन कुन इन वेलोसिटी यू सान ये छ का पॉजिटिव चार्ज मान लो अत लगना फोर्स योर कुनत केस फील्ड छ नेगेटिव टू पॉजिटिव ये फोर्स लगे कोत लगे क्यों ही फोर्स लगन खाली वायस मन एक्स मन लगे फोर्स की पार्टिकल पे गत इत पॉइंट ड्रा नबर ओस पकुन इत पॉइंट एक्चुअल पर मगर ओरिजिनल पाथ छस या एम कोन यहां के डिस्प्लेस वायस मन अथवन डिफ्लेक्शन बिदा में कुनी एंगल सा नबर अथवन च थीटा एंगल ऑफ इजेक्शन अते रसत एक्सिस मन क्या फाइनल वेलोसिटी वायस मन क्या फाइनल वेलोसिटी ये मन दोनों नेट नेट या वेलोसिटी
वायस मस कौसा ऐसे सच्चे करे ये डिफ्लेक्शन कौसा से इच्छे करे तो ये टेन थीटा जिसे करो ये थीटा जिसे करो मैं उन्हें इसे खाली थी जी याद ये वाई कौता है फाइनल वेलोसिटी अलांग वाई शार्टस मस थी जी याद क्यों ई डी डिवाइड बाय एम यू वही मां कैसी गबन इन्हें क्यों चुके हैं सवाल है दो ये मन में चवनी मान से ये डिफ्लेक्शन कौसा गई ये वाई कौसा चे तो थी जी याद क्यों ई डी स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम यू स्क्वायर वही मां ची सकती वही मां ची सकती क्यों ई डी स्क्वायर ये डी क्या गई ये गई पाथ लेंथ ये सॉरी कौसा एक्सस मस कौसा करें डिस्टेंस तो डी क्यों ई क्यों छे पाई चार्ज को तो ई छे पाई फील्ड को तो गो डी छे पाई पास है 2 एम एम छे पाई मास को तो चार्ज पार्टिकल्स यू छे पाई इन वेलोसिटी को तो एट दिस डिफ्लेक्शन को संगे ई डी फाइनल वेलोसिटी लंग वाई बे बनी थीटा करते दैट इज टैन थीटा हसा जगह बराबर वी वाई बाय वी एक्स इन सो से वी वाई कट ना वी एक्स ऐसी दिस इन वेलोसिटी वाज कांस्टेंट टैन थीटा नेरी पाने अगर है ये छे वाला यार फार्मूला छे शॉर्ट गाइस सर में तो कैसे ना गाइस सर रोज यार वाल तो यार वी वाई बाय वी ए बाय छे पाई से वी वाई लोड की क्यू ई डी डिवाइड बाय एम यू बिरोजी ये अगो सु क्या ये में क्यू रोज अगो सु क्या ये से हो यो यार छे पाई से सु का खोस आज भी इस यहां पगा पड़ो बेहान ठीक छ और अब करने की हिफाजत अस्सलाम वालेकुम।